आईपीएल सीजन 16 के 32वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने राजस्थान रॉयल्स को 7 रन से हरा दिया है। बेंगलुरु के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में 190 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स ने 6 विकेट के नुकसान पर 182 रन बनाए। 1 रन के स्कोर पर राजस्थान रॉयल्स का पहला विकेट गिरा। टीम के अनुभवी बल्लेबाज जॉस बटलर 2 गेंद खेलकर बिना खाता खोले पेविलियन लौटे। आरसीबी के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने जॉस बटलर को क्लीन बोल्ड कर दिया, लेकिन युवा बल्लेबाज देवदत्त पड़िक्कल ने 34 गेंदों पर 52 रन की शानदार पारी खेली। राजस्थान के गेंदबाज डेविड विली की गेंद पर विराट कोहली ने देवदत्त का कैच लपक कर मैदान से चलता किया। 108 रन के स्कोर पर राजस्थान को तीसरा झटका लगा। बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल 37 गेंदों पर 47 रन बटोर कर पेविलियन लौटे। आरसीबी के गेंदबाज हर्ष पटेल की गेंद पर कप्तान विराट कोहली ने जायसवाल को कैच आउट किया। टीम के कप्तान संजू सैमसन का बल्ला भी 15 गेंदों पर 22 रन बनाकर रुक गया। बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आरसीबी के गेंदबाज हर्ष पटेल की गेंद पर शाहबाज के हाथों में कैच थामा बैठे। शिमरॉन हेटमायर भी 9 गेंदों पर 3 रन बनाकर आरसीबी के प्रभु देसाई के हाथों रनआउट हो गए। वहीं रविचंद्रन अश्विन 6 गेंदों पर 12 रन बनाकर पेविलियन लौटे। ध्रुव जुरेल की अंतिम ओवर में नाबाद 16 गेंदों पर 34 रन की पारी भी टीम को जीत नहीं दिलवा पाई। वहीं आरसीबी के गेंदबाजों के प्रदर्शन की बात की जाए तो हर्षल पटेल ने 3 विकेट चटकाए, वहीं मोहम्मद सिराज और डेविड विली को 1-1 सफलता मिली। पहली पारी में टीम के बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल की 44 गेंदों पर 77 रन और फाफ डु प्लेसिस की 39 गेंदों पर 62 रन की पारी ने टीम को एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचाया।